नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय ओपनर केएल राहुल ने नाबाद शतकीय पारी खेल इतिहास रच दिया। केएल राहुल ने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं। इस शतकीय पारी के साथ ही वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बता दें कि सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक केएल राहुल 122 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। केएल राहुल सेंचुरियन में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही कर पाए हैं। सचिन ने 2010 में 111 रनों की पारी खेली थी, जबकि 2018 में विराट कोहली ने 153 रन ठोके थे। इसके अलावा केएल राहुल भारत के महज दूसरे ऐसे सलामी बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी ठोकी है। इससे पहले 2007 में वसीम जाफर ने बतौर सलामी बल्लेबाज 116 रनों की पारी खेली थी। इतना ही नहीं, केएल राहुल बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन सबसे ज़्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 में मेलबर्न में 195 रनों की पारी खेली थी। इस लिस्ट में अब केएल राहुल का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने मोहम्मद अर्जुद्दीन को पीछे छोड़ा है। अजहर ने 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में नाबाद 103 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले केएल राहुल महज 10वें भारतीय बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरी की बात करें तो ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 5 टेस्ट मैचों में 173 की औसत से 692 रन बनाए हैं। उनके खाते में 5 सेंचुरी दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जो अब तक 2 टेस्ट शतक लगा चुके हैं। मैच की बात करें तो भारत ने पहले दिन स्टंप तक 3 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 122 रन और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।